अस्सलाम वालेकुम रिव्यूज़ प्लेनेट में आपका खुश आमदीद। अपनी कोख किसी दूसरे के बच्चे को दे देना बहुत जुर्अतमंदाना कदम है, भले यह काम उजरत के लिए ही क्यों ना किया जा रहा हो, भले इसका जितना भी मुआवजा ले लिया जाए। नौ माह एक वजूद को अपने वजूद का हिस्सा बना लेने के बाद उसे किस तरह बेगाना किया जा सकता है, ये अनोखे एहसास वही माँ जान सकती है जो सरोगेट हो। पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका हसूल हर एक की तमन्ना है, पर धन दौलत से बढ़कर एक और ताकत भी है। जी हाँ नाजरीन, पैसे से बड़ी ताकत भी है। मराठी फिल्म का हिंदी रीमेक जिसका मरकजी किरदार मिमी है, जो कि कृति सानन ने किया है। मिमी एक सरोगेट माँ बनने का फैसला करती है और उसे इस फैसले पर मजबूर करने वाला भनु यानी पंकज त्रिपाठी है। दोनों को इस फैसले की तरफ खींच लाने वाला पैसा है, एक ऐसा जोर आवर के जब से ये दुनिया बनी है हर कोई इसके जोर का जायका चखने को मरा जा रहा है। बहुत सी फिल्में ऐसी बनाई गई हैं जिनमें हीरो तो होता है, हीरोइन नहीं होती, या फिर इसके बरक्स। ये भी इन जैसी ही एक फिल्म है। फिल्म में हीरोइन तो है पर हीरो नहीं है। कुछ वक्त के लिए ये काम पंकज त्रिपाठी को सौंपा जाता है, पर मुसन्निफ को शायद वो हीरो के तौर पर जचता नहीं है, जब भी तो उसे अबूरी हीरो का किरदार सौंपा गया है। फिल्म का म्यूज़िक मशहूर मौसीकार एआर रहमान का है, मुनासिब सा म्यूज़िक है। एआर रहमान की गुज़श्ता तमाम कामों से कुछ कम दर्जे का मालूम होता है। ऐसे म्यूज़िक पर एआर रहमान के बजाय अहमद नईम हाशमी का नाम भी होता तो भी कबूल कर लिया जाता। ओवरऑल मिम्मी एक अच्छी काविश है, जब भी तो इसे 8 से बढ़कर रेटिंग मिल रही है, और क्यों ना मिले। ममता की ताकत धन दौलत जात पात रंग रूप हर शय से बलातर है। सांवले वालदैन के हाँ गोरी औलाद या फिर गोरों के हाँ सांवली औलाद के चमत्कार की मानद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।